हेलो फ्रेंड, विमेंस स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है स्त्री। इसे शुरू से लास्ट तक सुने और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ स्त्री। स्त्री क्या से क्या होती है, कैसे होती है, तो सुनिए। हर महीने के माहवारी के दर्द को बर्दाश्त कर अपने आप को अगले महीने के लिए फिर से दर्द सहने के लिए तैयार कर लेना किसी जंग जीतने से कम नहीं। हर महीने ना जाने कितने वर्षों तक ये जंग हर महीने जीतती है स्त्री, तब जाके किसी पुरुष के चेहरे की लालिमा बढ़ती है और तब किसी के वंश की वृद्धि होती है। अरे, एक लड़की तो अपने 11 वर्ष की उम्र से ही किसी की बहू, किसी की पत्नी बनने की का मोल चुकाती है हर महीने दर्द सहकर, ताकि किसी दिन तो वंश की वृद्धि की गौरव बन सके। गर्भधारण के 3 से 4 महीने तो अपने आप से ही परेशान, मूड स्विंग, उल्टी, थकान, मानसिक तनाव और कमर दर्द तो हिस्सा बनने लगता है जिंदगी का। बढ़ते महीने के साथ खुद को जन्म देने की तो वो भी असहनीय दर्द से होकर गुजरती है। 9 महीने तक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करती है खुद को परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रसव पीड़ा 6 से 8 घंटे और कभी कभी तो 2-3 दिन तक। अगर फिर भी नॉर्मल डिलीवरी संभव ना हो तो गर्भ चीर के भी बच्चे को बाहर लाने का हिम्मत रखती है स्त्री। शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स और ऑपरेशन के निशान तक ताम्र ढोने को तैयार हो जाती है स्त्री, जो चेहरे पर एक पिंपल्स आ जाने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। एक स्त्री की मनोदशा एक पुरुष कभी नहीं समझ सकता, और जो अपनी पत्नी की यह मनोदशा समझ भर ले वो तो भगवान का ही रूप होता है। लड़कों के कंधा से कंधा मिलाकर चलना बहुत आसान है, पर लड़कियों की बराबरी कर पाना उतना ही मुश्किल। हर महीने खून पानी की तरह बहाना पड़ता है एक स्त्री होने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं फिर से आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी, आपका एंटरटेनमेंट करूँगी, आपको असलियत दिखाऊँगी स्त्री होने का क्या मतलब होता है, कैसे संघर्ष करती हैं स्त्रियाँ, कैसे संघर्ष करके अपने घर परिवार को चलाती हैं स्त्रियाँ, कितना मेहनत।